हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यहाँ पर Redmi Note 8 डिवाइस में नया अपडेट आ चुका है MIUI 11 पर। यहाँ पर 11.0.6.0 का नया अपडेट जो आया है वो दोस्तों Android 9 के बेस पर ही चल रहा है। यहाँ पर Android सिक्योरिटी पेज लेवल 1 जनवरी 2020 का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अबाउट फोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्हाट्स न्यू के अंदर आपको केवल एक ही चेंज लॉग देखने को मिलता है, वो है सिस्टम के अंदर अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज 2 जनवरी 2020 इनक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। इसी के साथ यहां पर वो वाईफाई का फीचर्स भी अवेलेबल कर दिया गया है। सिम कार्ड में जाएंगे, यहां पर सिम पर आप जैसे ही टैप करेंगे उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखने को मिल जाता है मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई। इसे अगर आप इनेबल कर देंगे यहां पर वो वाईफाई आपका इनेबल हो जाएगा, जो कि आपको एक नया फीचर्स यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो में देखने को मिल जाता है कि वो वाईफाई का नया फीचर जो आया है वो फिलहाल में किन किन डिवाइसों पर वर्क कर रहा है और इसका क्या मतलब है, वो आपको वहां पर काफी अच्छी डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको केवल और केवल फीचर्स के बारे में बता रहा हूं। यहां पर इसे आप जैसे ही इनेबल कर लेंगे और आप वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तभी ये फीचर्स वर्क करता है। अगर आप वाईफाई से हट जाएंगे यहां पर आपका बोल्टी का जो साइन है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसे आप वाईफाई से जैसे ही कनेक्ट करेंगे अपनी डिवाइस को, यहां पर पहले तो आपका वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि सिंबल होता है, उसके बाद में कुछ ही देर में आपको देखने को मिल जाता है वो वाईफाई का सिंबल। यहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर बाकी के ऑप्शन वही सेम देखने को मिल जाते हैं। यही कुछ इसमें छोटे से अपडेट में चेंजेस किए गए हैं। यहां पर अगर आप इस अपडेट को अपने डिवाइस पर अपडेट करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप अपने अबाउट फोन में जाकर के सिस्टम अपडेट पर टैप करके यहां पर चेक कर लीजिए आपको अपडेट आया तो नहीं है। अगर नहीं आया है तो यहां पर लिंक मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो रोम को आप डाउनलोड करके यहां पर आप टैप करने के बाद में रिकवरी पर जाएंगे। यहां पर रिकवरी अगर नहीं आती है तो आपको यहां पर 11 जो लिखा हुआ लोगो है उस पर 5 से 7 बार टैप करना है, उसके बाद में एडिशनल फीचर्स यहां पर ओपन होकर आ जाएंगे। यहां पर आपको टैप करना है रिबूट टू रिकवरी पर, परंतु यहां पर आप नहीं करेंगे, आप करेंगे चूज अपडेट पैकेज पर। यहां पर आप इंटरनल में जाएंगे और जहां पर आपने रोम को डाउनलोड करके रखा हुआ है वहां से रोम को सिलेक्ट करके यहां पर ओके पर टैप कर देंगे। तो यहां पर आप इस तरीके से अपडेट करा सकते हैं। अगर यहां पर आपको कोई एरर देखने को मिल जाता है तो आपको यहां पर कस्टम रिकवरी के थ्रू इस रोम को फिलहाल में अपग्रेड कराना होगा, परंतु आप फिलहाल में वेट कर सकते हैं। मैं यहां पर Xiaomi का स्टेबल बीटा टेस्टर हूं, इस कारण से मुझे ये अपडेट पहले दिखने को मिल गई है, तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दूं आपको। ये छोटी सी अपडेट में यही कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज के अपडेट के साथ में वो वाईफाई का फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप इस अपडेट को अपने डिवाइस पर अपडेट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप अपडेट करना चाहते हैं फिलहाल में तो यहां पर रोम को डाउनलोड करके एक बार आप अपने रिकवरी पर जा करके यहीं से अपडेट कर लीजिए जो कि इसकी स्टॉक रिकवरी है। अगर नहीं होता है तो आप कुछ दिनों के लिए वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप TWRP का या फिर कोई भी कस्टम रिकवरी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करके आप यहां पर रोम को फ्लैश करा सकते हैं। यहां पर ये एक ग्लोबल का स्टेबल अपडेट है। यहां पर इंडियन वर्जन में फिलहाल में 11.0.2 ही चल रहा है, परंतु यहां पर ग्लोबल में भी पिछला जो अपडेट था वो चल रहा था 11.0.2, परंतु यहां पर सीधा सीधा 11.0.4 की छोड़कर यहां पर 6 को अपडेट कर दिया गया है। तो आशा करता हूं आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।